हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मावा केक, जिसके लिए मैंने आधी कटोरी दही ली है, आधी कटोरी आटा, आधी कटोरी सूजी बारीक वाली, आधी कटोरी मैदा, एक कटोरी मैंने पीसी हुई चीनी ली है, ये स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 कटोरी ये मैंने देसी घी इस्तेमाल किया, और 100 ग्राम मावा है, मावा केक है इसलिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ बादाम और कुछ मैंने पिस्ते को छोटा छोटा काट दिया। 1 कटोरी मैंने दूध लिया और थोड़ा से दूध के अंदर मैंने केसर घोल के रख दिया, जिसका हम इसको कलर फ्लेवर देंगे। ये पिंच सॉल्ट का टेस्ट देंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, और ये टिन को मैंने ग्रीस करके रख दिया। ये बाउल है जिसके अंदर हम मिक्सचर तैयार करेंगे। अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। दही, चीनी और घी, इन तीनों को सबसे पहले हम बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे क्रीमी टेक्सचर आने तक। ये हमारा बहुत अच्छे से बीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक छलनी रखेंगे और ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको छान के डालेंगे। आटा, सूजी, मैदा और साथ ही ये पिंच सॉल्ट और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, उनको भी साथ ही छान देंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और यही 1 चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे आवश्यकता अनुसार, और जैसा केक का बैटर होता है वैसे ही बैटर तैयार करेंगे। मैं केक को माइक्रोवेव ओवन में बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने इसको कन्वेक्शन मोड स्टार्ट करके 180 डिग्री पर कर दिया और ये स्टार्ट कर रही हूँ। अब जैसे ही ये प्री हीट हो जाएगा वैसे ही हम अपना केक रख देंगे। अब इसमें केसर वाला दूध और ये जो मावा हमने रखा है इसको भी डाल दें और फिर से इसको एक बार बीट कर लें। अब इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं पहले इसके अंदर। हमारा केक बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको ओवन में से बाहर निकालूंगी और थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर हम इसको कट करेंगे।